तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास टेंथ मैथ का प्री बोर्ड एग्जाम का फुल सल्यूशन वीडियो आप इस पे देख सकते हैं पूरा फुल सल्यूशन वीडियो जैसे इसमें लिखा है वैसे ही आप लिखिए पूरे 80 में 80 मिलेंगे तो आइए शुरू करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर वन का फुल सल्यूशन दिया हुआ फाइव सी ए पॉन ए टू ए वन पॉन एट टू इसका टी वन पॉइंट इसका टी वन पॉइंट सी टू चौथे का आंसर ए इस तरह लिखना सभी को माइनस टू फिफ्थ नंबर का पहला नंबर होगा आप इस लिखेंगे उसका नाइनटी डिग्री लिखेंगे उसके बाद सिक्स नंबर माइनस वन माइनस माइनस वन और प्लस वन उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड था पेंदा द ब्लैंक्स से पहले में होगा डिवीजर तो दूसरे होगा थ्री तीसरे में होगा डि टू जीरो चौथे में होगा हो ए प्लस नाइन डी में होगा सिमिलर छठवें में होगा एक्स एक्सिस सातवें होगा टू एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है मैच द कॉलम पहले का होगा सेक स्क्यर माइनस वन इसकी वैल्यू होगी टेन स्क्वायर दूसरा नंबर है theta, तो उसकी वैल्यू होगी वन अपॉन टेन जिस तरह लिखा है उसी तरह सभी को लिखना है तीसरा है वन माइनस साइन स्क्वायर तो इसकी वैल्यू होगी कॉ स्क्वायर और इसमें चौथे नंबर पर कॉट थर्टी डिग्री इसकी वैल्यू होती है रूट थ्री पांचवें नंबर है कॉस 90 नाइनटी माइनस थीटा इसकी थीटा छठा नंबर है कॉस फोर्टी एट डिग्री कॉस से फोर्टी टू डिग्री प्लस साइन फोर्टी एट डिग्री सेक्क फोर्टी टू डिग्री इसकी वैल्यू होगी टू फोर्थ नंबर क्वेश्चन था राइट वन वर्ड आंसर्स इसका पहले का पहले का आंसर होगा टू जीरोस दूसरे होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इसका टू जीरो इज आए स्टैंडर्ड फॉर्म तीसरे में होगा डी स्क्ल टू बी माइनस फोर ए सी चौथे में होगा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मला पाई आर स्क्वायर आप सभी को पता है पांचवें का होगा आंसर वन अपॉइंट थ्री पाई आर स्क्वायर सभी को पता है क्वेश्चन नंबर सिक्स था व्हाट विल बर्थमेटिक थ्री थ्री फोर फाइव फाइव इसकी वैल्यू होगी एर्थमेटिक मीन इकल टू फोर सेवन नंबर क्वेश्चन था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ़ सर्टेन इवेंट जिसकी आंसर होगा द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज वन क्वेश्चन नंबर सिक्स था राइट ट्रू फॉल्स पहला क्वेश्चन था गिवन टू पॉज टू ए एंड बी देयर एक्सिस्ट यूनिक्यू इंटीजर क्यू एंड आर ए इजल टू बी क्यू प्लस आर ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी ये होगा ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा फॉल्स चौथा फॉल्स पांचवा ट्रू छठा ट्रू उसके बाद क्वेश्चन नंबर छ था जिसका हम ऊपर वाला पहले वाला किए हैं जिसमें ये दिया है आपका सोल्यूशन इसको आप देख लीजिए स्क्रीन करके वीडियो पॉज करके लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन था जिसका हम ऊपर वाला किए हैं फाइंड अ क्वाडेटिक पॉलिनोम हु प्रोडक्ट एंड जीरो थ्री माइनस थ्री एंड टू रिस्पेक्टिवली इसका सलूशन ये दिया हुआ सामने लेट क्वाडेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह आप सलूशन डाल के सलूशन नंबर सेवन इसी तरह आपको लिखना है बस है, बढ़िया हैंड से बनाकर लिखना है क्वेश्चन नंबर एट था राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ ए पी हु फर्स्ट टर्म इज एजकल टू माइनस वन पॉइंट टू फाइव एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इजकल टू माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव इसका फुल सोलूशन ये दिया हुआ है आप इसको अच्छी तरीके से लिख लेंगे फर्स्ट फोर्थ टर्म तक आया है उसके बाद अगला पेज में खोल रहा हूँ उसमें भी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर एट में फिर आगे लिखेंगे इस तरह फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एप इज एवन इजकल टू माइनस वन पॉइंट टू फाइव ए टू एंड ए फोर आंसर डाल देंगे क्वेश्चन नंबर नाइन था इन फिगर डी पैर डी सी सी फाइंड ए डी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इसमें ये आपके सलूशन दिया हुआ है इसको आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे और लोग इस वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा अपने प्री बोर्ड एग्जाम पेपर के चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा सभी लोग उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन था जो ये सामने सामने आपको दिया हुआ सोल्यूशन डालना लेट पी इस तरह लिखना सभी को क्वेश्चन नंबर टेन के आगे का सलूशन ये दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी तरह सभी को लिखना अच्छी तरीके से कहीं भी गलत मत करिए आराम से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन का और वाला क्वेश्चन हमने किया है जो आपके सामने दिख रहा है पहले इस तरह आप डायग्राम बना लीजिएगा ये सब आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर अलेवन का आगे का ये रहा क्वेश्चन नंबर अलेवन का आगे का सलूशन ये रहा इसको आप वीडियो पॉज करके सेक्शन फार्मूला लगाकर आराम से कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके स्क्रीन ले लीजिएगा गौर से करिए कहीं भी गलत मत करिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हमने और वाला किया है एफ सेक फोर ए कौशे ए माइनस ट्वेंटी ये वाला हमने डिग्री वाला किया है जिसके आंसर एज कल टू ट्वेंटी टू डिग्री आया है इसको आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमने और वाला किया है एरिया ऑफ स्क्वायर ए सी लगा के डायग्राम अच्छे तरीके से बनेगा डायग्राम के बिना नंबर नहीं मिलेंगे डायग्राम बनाना बहुत जरूरी रहता है डायग्राम आप बनाइएगा जो क्वेश्चन बुक में भी हो उसको भी बनाइएगा वीडियो पॉज करके ये लिख लीजिएगा और सभी लोग जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना शेयर कर देना अपने टेंथ क्लास के दोस्तों के साथ सभी सोल्यूशन इस चैनल पर दिए हुए हैं आप चैनल पर क्लिक करके सभी सोलूशन को देख सकते हैं साइंस का हिंदी का मैथ का सोशल का सबका सोलूशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर था टू प्लेयर संगीता प्रोबेबिलिटी बतानी थी सबसे इजी क्वेश्चन दो नंबर का क्वेश्चन था इसको आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे ऐसे ही लिखना है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का और वाला हमने किया है बॉक्स कंटेन फाइव रेड मार्बल्स एट व्हाइट मार्बल्स फोर ग्रीन मार्बल जिसमें बतानी थी ग्रीन मार्बल्स जो नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी तो उसका आंसर ये दिया हुआ थर्टीन अपॉन सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सॉल्व द इक्वेशन रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इसल टू जीरो ये आपके सामने सोलूशन दिया हुआ इसी तरह से यू करना रूट की वैल्यू भी लिखनी है एक्स इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन रूट टू और इसमें फाइव माइनस फाइव अपॉन रूट टू सेवनटीन नंबर क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन किया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ सीरीज सेवन थर्टीन नाइनटीन डेट डेट डॉट टू हंड्रेड फाइव इसका सोल्यूशन फुल सोल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है इसको आप रुक के कर दीजिएगा अच्छे से ध्यान से करिएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का फुल सोल्यूशन इसमें आप हमने और वाला किया है द रेडी ऑफ टू कॉन्क्रीट सर्कल एंड फाइव एंड थ्री सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल हु टच द स्मालर सर्किल्स इसका हमने फुल सोलूशन नहीं दिया हुआ है आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का फुल सोल्यूशन है दिया हुआ है हमने ऊपर वाला किया है जिसमें ये आपको पूरा फुल सोल्यूशन दिया हुआ है आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं फुल सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर का आगे का सोल्यूशन ये दिया हुआ एक्सकल टू फिफ फाइव हंड्रेड सो ऑफ इच बैट इज फाइव हंड्रेड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का फुल सोल्यूशन ये दिया हुआ है सभी लोग इसको लाइन को पैरेलल ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन ये दिए हुए हैं सभी लोग वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन फाइव दिए हुए हैं आराम से सभी लोग लिख लेंगे सोलूशन नंबर ट्वेंटी टू का हमने और और वाला किया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का हमने और वाला क्वेश्चन किया है जिसका ये फुल सोलून दिया डायग्राम बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है डायग्राम आप जरूर बनाए डायग्राम के बिना नंबर नहीं मिलेंगे इस डायग्राम जरूर बनाए सोलूशन नंबर ट्वेंटी थ्री जिसमें हमने मेन फाइंड करना था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसलिए आप अच्छे तरीके से ध्यान से सीखिएगा मीन इस तरह बॉक्स बनाइए क्वेश्चन लिखिएगा बॉक्स बनाइएगा मीन ऑफ लिटरेसी और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का आगे का सलूशन ये दिया हुआ है मीन का है, समेशन एफ आई एस एफ आई इसमें हम वैल्यू रखेंगे अपने एक्स की वैल्यू ये सिक्सटी नाइन पॉइंट फोर थ्री आंसर हो जाएगा और सभी लोग अच्छे से ध्यान से वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट करिएगा आगे का कौन सा आपको चाहिए सलूशन